आपके भरोसे पर खरे उतर कर। हमने पूरे किए हैं 3 साल। आपका क्षेत्र, आपके मुद्दे, हम बने हैं आपकी आवाज। सटीक खबरें, बेबाक अंदाज, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टीवी समाचार। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। रामपुर से नरेश कुमार लोधी की रिपोर्ट। भाकियो लोक शक्ति के बरेली जिलाध्यक्ष बने राम। भाकियो लोक शक्ति की पंचायत अम्बेडकर पार्क रामपुर में संपन्न हुई। पंचायत में मीरगंज जिला बरेली निवासी इमरान अली को राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने बरेली का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया, जिनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया और मिठाई वितरित कर सभी का मुंह मीठा कराया। इससे पूर्व किसानों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने कहा, सरकार में कथनी और करनी में बहुत फर्क है, क्योंकि सरकार अपने आप को किसान हितैषी बता रही है, लेकिन दिनांक 4 सितंबर 2022 को जनपद में मुख्यमंत्री का आगमन था। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के द्वारा उनसे मिलने की अनुमति मांगी गई, लेकिन जिला प्रशासन ने बताया कि सुरक्षा कारणों से किसानों को अनुमति नहीं दी गई। इससे साफ प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी की नजर में किसान कोई आतंकी है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री से विपक्षी विधायकों को भी मिलने की अनुमति दी गई, जिससे उनकी सुरक्षा को खतरा था, लेकिन किसानों को नहीं। इससे भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र साफ होता है, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव में पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में किसानों को मुफ्त बिजली देने का वायदा किया था, लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त हुए किसानों पर बिजली चोरी के झूठे मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। स्वागत करने वालों में जिलाध्यक्ष लाला राम गंगवार, तानिश खान, शावेज खान, ओवेस अली खान, राकिब खान, विनोद कुमार, सागर, साकिर खान आदि लोग मौजूद रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी को आपका ही है नाले वाला मामला। आपने अध्यक्ष जी जले हुए हैं, आपने बहुत धैर्य का परिचय दिया। काफी तपती हुई धूप में आप लगभग पिछले 3-4 घंटों से लगातार यहाँ पे बैठे रहे, और हम जो इस धरना प्रदर्शन का आज हमारा असल मकसद था वो यह था कि एक किसान के ऊपर अत्याचार किया गया है और हम सब किसान परिवार के लोग हैं। आज हमारे परिवार के किसी एक सदस्य पर अत्याचार किया गया, कल दूसरे सदस्य पर अत्याचार किया जाएगा, और अभी ये लड़ाई हमारी समाप्त भी नहीं हुई है। अगर ये तहसील प्रशासन उस लेखपाल के साथ रहे, जितने भी लेखपालों ने उसके ऊपर हमला किया, जानलेवा हमला करने का 307 का मुकदमा दर्ज करेगा तो ठीक है, नहीं तो ये लाड़ पार की लड़ाई लड़ने के लिए हमें बिल्कुल पूरी तरह से तैयार होकर आना है। अब की बार में कोई कोताही नहीं बरती जाना है इमरान साहब, क्योंकि आपने भी वो ट्रॉली आ रही थी लेकिन आपने रोक दी। चलो वो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा इतना बड़ा मकसद भी नहीं था। आज आगे जो है अपने अपने पूरे पूरे इंतजाम के साथ में आना पड़ेगा। अगर ये तहसील प्रशासन उसके लेखपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के उसको जेल भेजता है। और एक बात और कही गई है, क्योंकि कोई भी तहसील के कर्मचारी थे, बोले यार भाई उसके बेचारे के खिलाफ क्यों कर रहा धरना प्रदर्शन, वो तो मानसिक तनाव में है। अगर मानसिक तनाव में है तो उसको अस्पताल नहीं, पागलखाने। पागलों का तहसील में कोई काम नहीं है, सरकारी विभाग में कोई काम नहीं है, क्योंकि पागल अपने आप को जो नुकसान पहुंचाएगा। देखिए नाले का जो वो है, इसलिए हम लोग आए थे। पर ये माननीय प्रधानमंत्री जी को मतलब देते हैं तो आपका ही है नाले वाला मामला है। नाले वाले में मैंने आपको 8 तारीख बोला था जी जी, और ईओ से मैंने बात भी की है जी, क्योंकि वो नगर पालिका की जमीन है और प्राइवेट काफ्तारों से नगर पालिका और तहसील की टीम दोनों जब ज्वाइंट रूप से उसका जांच करेगी तभी हम कोई निष्कर्ष निकालेंगे। कोई अर्जेंट मीटिंग आ गई थी, वो साहब लखनऊ गए, कल के ही गए हैं, बल्कि मैंने कल ही बात किया था, और वो लौट के आते तो मैं उसको करा दूंगा। और लेखपाल के साथ जो बदतमीजी हुई, लेखपाल के साथ मिली सर, लेखपाल के द्वारा बदतमीजी की, बात सुन लो, लेखपाल के साथ जो बदतमीजी हुई लेखपाल कह रहा है, काश्तकार कह रहा है कि मेरे साथ साहब उसकी वीडियो वायरल हुई है, और काश्तकार को पूरी तरह मारा गया था। बोल लो जी, बोल लो, उसका मेडिकल कराया गया है, मेडिकल रिपोर्ट में जो भी तथ्य आएगा उसके अनुसार डिलीट कार्रवाई की जाएगी। चलिए सर, परसों तो यू साहब से मेरी बात हुई थी, यू साहब आपकी बात हुई होगी फोन पे नाले के बारे में। हाँ, और एक टीम गठित करा रहे हैं नजीम साहब। मैं तो कल बात किया था, कल ही तो मैं बात बता रहा हूँ। अच्छा, कल ही बात हो गए हैं, आप परसों बात किए थे। जी, परसों हुई थी बात, टीम गठित होगी, वही बात तो मैं बता रहा हूँ कि नगर पालिका की टीम और तहसील की टीम,
क्योंकि ये नगर पालिका के अंदर से जा रहा है।